हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 29 ऑफ सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आवर टुडेज टॉपिक इज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आरियल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। कोर्स आउटकम इज स्टूडेंट विल एबल to maintain phase control rectifier, and the learning outcome is student will able to explain with sketches the working of half wave fully controlled rectifier for RL load with freewheeling diode. Freewheeling diode, which is denoted by FD. Freewheeling diode FD is a simple diode which is connected across the inductive load as shown in the figure number A for freewheeling the current. Freewheeling diode जो रहता है वो एक simple diode ही है। हमने diode के बारे में पढ़ा है। Diode में दो layer होती है, एक p-type layer और एक n-type layer। तो ये freewheeling diode ही एक सिंपल डायोड ही है जो कि हम क्या करेंगे, जब इंडक्टिव लोड जब रहेगा तो उसके अक्रॉस लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आरियल लोड यूज़ किया हुआ है, तो इसके अक्रॉस क्या लगाया हुआ है, फ्रीव्हीलिंग डायोड। काहे के लिए, ताकि करंट को हम ये डायोड से फ्री व्हील करवा सके, यहाँ से करंट को हम घुमा सके। जैसे कि देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। फ्रीव्हीलिंग डायोड इज यूज्ड across the inductive load such as coil, DC motor armature, etc. to prevent the voltage spike across this load when the switching device is turned off. जो freewheeling diode रहेगा हम किसके across लगाएंगे, inductive load के across. inductive load कौन से रह सकते हैं, एक तो coil रह सकती है या फिर DC motor armature load रह सकता है। तो इसके across हम क्या लगाएंगे, freewheeling diode। किसके लिए, टू प्रिवेंट द वोल्टेज स्पाइक्स अक्रॉस दिस लोड व्हेन द स्विचिंग डिवाइस इज टर्न ऑफ। जब स्विचिंग डिवाइस जैसे कि SCR वगैरह जब ऑफ होता है तो उसके अक्रॉस स्पाइक्स जनरेट होती है, तो हमको प्रिवेंट करवाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, लोड के अक्रॉस एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाएंगे। इट इज यूज टू बाईपास द स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टिव एलिमेंट व्हेन द स्विचिंग डिवाइस इज टर्न ऑफ। जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें देखा था, आरियल लोड क्या कर लेता था, एनर्जी स्टोर कर लेता है, फिर वोल्टेज जीरो हो जाता है पर करंट जीरो नहीं होता। तो इसके लिए वो क्या करता है, स्विचिंग डिवाइस को जबरदस्ती ऑन करके रखता है कुछ समय के लिए, तो इसलिए निगेटिव वोल्टेज आता है हमारे सिस्टम में। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड के अक्रॉस एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा रहे। तो इससे क्या होगा, हम एनर्जी को बाईपास करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ये फ्रीव्हीलिंग डायोड का, जब हमारा SCR ऑफ हो जाएगा तब। थर्ड, इन अब्सेंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड द स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टेंस विल मेंटेन द फॉरवर्ड करंट थ्रू द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग टर्न ऑफ। तो ये क्या होता है, अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर हमने नहीं लगाया तो क्या होता है, ज़बरदस्ती SCR को हमको ऑन करके रखना पड़ता है ताकि हमारा जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसको वो रिलीज़ कर सके, करंट को ज़ीरो हो सके। इसलिए व्हेन द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस इन सीरीज विथ लोड इज टर्न ऑन, द फ्रीव्हीलिंग डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड द करंट इन लोड इज बायपास थ्रू freewheeling diode. Since load current is shifted from switching device, it is turned off easily and regain its blocking ability. तो इसमें क्या होता है, हम next इसमें in detail देखेंगे। तो इसमें हम जब भी negative half cycle आती थी तो ये क्या हो जाएगा, negative half के लिए नीचे का terminal positive होगा तो ये freewheeling diode ऑन हो जाएगा, और जो भी इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है वो क्या करेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड से ही अपनी एनर्जी रिलीज कर लेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्विचिंग डिवाइस था उसको ज़बरदस्ती ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो
इसलिए वो जो निगेटिव वोल्टेज है वो लोड तक नहीं पहुंच पाएगा, और लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ऑल्सो फ्रीविलिंग डायोड प्रिवेंट्स द निगेटिव लोड वोल्टेज। तो जो आरएल लोड जब रहता है और तब हमारे सिस्टम में निगेटिव लोड वोल्टेज आता था, तो अगर हमने फ्रीविलिंग डायोड लगा दिया तो हम उस निगेटिव लोड वोल्टेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रीविलिंग डायोड रिड्यूसेस द रिएक्टिव पावर फ्लो, ये रिएक्टिव पावर फ्लो को भी रिड्यूस करेगा। ऑल्सो इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ इनपुट एंड इट इम्प्रूव द लोड परफॉर्मेंस। ये प्रिवेलिंग डायोड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज में आएगा और लोड परफॉर्मेंस भी इससे हमारा इम्प्रूव होगा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रिवेलिंग डायोड। प्री रिक्विजाइट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आरएल लोड। तो उसमें क्या होता था, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती थी तो मतलब अपर का टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है तो हमारा एसीआर फॉरवर्ड बायस बन जाता था, पर वो ऑन नहीं होता था जब तक हम उसको गेट पल्स देके ऑन नहीं करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल होने के बाद कुछ समय के बाद उसको गेट पल्स देते थे। जिस एंगल पे हम उसको गेट पल्स देते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा। तो यहाँ पे जब अल्फा हमने निकाल लिया सब इस पे एक्सिस पे, जब तक अल्फा मतलब कौन सा एंगल, जिस एंगल पे हम उसको गेट पल्स दे रहे हैं, तो अल्फा के पहले जीरो से लेके अल्फा के बीच में कोई भी गेट पल्स नहीं मिली है, तो इसलिए हमको लोड वोल्टेज मिलता है जीरो और लोड करंट भी मिलता है हमको जीरो। पर एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा पे हम क्या कर रहे हैं, गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ही गेट पल्स अप्लाई कर दिए हमारा एसीआर ऑन हो जाता है और इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। और इंडक्टिव लोड है तो करंट क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और तब तक ये स्विच ऑन है तो जो भी इनपुट वोल्टेज है वो किसको कनेक्ट होता है, लोड को, मतलब इनपुट वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द लोड। तो इसीलिए हमने जो इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म निकाल ली है लोड के अक्रॉस, उसके बाद पाइप पे क्या हो गया, हमारा वोल्टेज जो है वो जीरो हो गया, पर करंट जीरो हुआ क्या, नहीं, इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली। और हमको पता है इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, तो इसीलिए वोल्टेज जीरो हो गया पर करंट जीरो नहीं हुआ। तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की है, जब तक उसका करंट जीरो नहीं होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तब तक हमारा उसको क्या करेगा, करंट को धीरे 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 कम करना पड़ेगा। तो तब तक हमारा क्या होगा, सर्किट में से करंट फ्लो होते रहेगा। तो यहाँ पे इंडक्टर को एनर्जी रिलीज करने के लिए एक ही पाथ है, थायरिस्टर के थ्रू एससीआर को ज़बरदस्ती ऑन रहना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे पाई के बाद निगेटिव हाफ साइकिल आ रही है, इसको रिवर्स बायस मिल रहा है, पर इंडक्टर का करंट जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक एसीआर ऑन रहेगा। उसके वजह से जो सप्लाई वोल्टेज निगेटिव हो गया है वो भी हमारे लोड के अक्रॉस आते रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, निगेटिव वोल्टेज, कब तक, जब तक करंट जीरो नहीं होता है तब तक। जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा तो हमारा करंट जीरो हो जाएगा और एसीआर भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद लोड करंट कितना मिलेगा हमको, जीरो। यही साइकिल हमारी रिपीट होगी, क्योंकि एसी साइकिल वैसे ही रिपीट होती है, तो वैसे ही हमारा लोड वोल्टेज और लोड करंट की वेवफॉर्म रिपीट होगी। पर इसका ड्रॉबैक ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज भी आ रहा है लोड के अक्रॉस, तो इसकी वजह से हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस निगेटिव एवरेज आउटपुट, निगेटिव वोल्टेज की वजह से जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा कम हो रहा है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्रीविलिंग डायोड लगाएंगे। फ्रीविलिंग डायोड इज नथिंग बट अ सिंपल डायोड विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टिव लोड इन सच अ वे दैट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो आरएल लोड के अक्रॉस हमने एक डायोड लगा दिया, फ्रीविलिंग डायोड, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो निगेटिव वोल्टेज कहाँ से चालू हो रहा है, पाई से, जहाँ पे हमारा इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर ली है और करंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर निगेटिव हाफ साइकिल आएगी
प्रिवलिंग डायोड है यहाँ पे, तो निगेटिव हाफ साइकिल मतलब नीचे का टर्मिनल सप्लाई का पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव किसको मिलेगा? फ्रीविलिंग डायोड के एनोड को, और कैथोड को मिलेगा निगेटिव। तो जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगी पाई पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीविलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। ये भी एक स्विच की तरह ही काम करता है, तो ये ऑन हो गया। तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर की है वो अभी सिंपली फ्रीविलिंग डायोड से रिलीज कर सकता है। मतलब निगेटिव हाफ साइकिल आने के बाद SCR को ऑन रखने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आते बराबर SCR ऑफ हो जाएगा और फ्रीविलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, और जो भी इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है वो रिलीज करेगा फ्रीविलिंग डायोड के थ्रू। तो फ्रीविलिंग डायोड के थ्रू उसने रिलीज किया, तो इसके अक्रॉस लोड के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज आ पाएगा क्या? नहीं। इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा हमारा? जीरो। तो ये जो निगेटिव वोल्टेज आता था पहले, अभी कितना वोल्टेज आएगा हमारा? जीरो। जबकि इंडक्टर का करंट रिलीज भी हो रहा है और हमको निगेटिव वोल्टेज भी रिमूव हो गया ड्यू टू द फ्रीविलिंग डायोड विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। इसको हम करंट को फ्रीविल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्री डायोड को, इसलिए इसका नाम है फ्रीविलिंग डायोड। सो याद रखना है, जब भी फ्रीविलिंग डायोड लगाएंगे तो यहाँ पे जो निगेटिव वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और इट लुक्स लाइक अ जब हम वेवफॉर्म हमको मिलती है, जब हम रेजिस्टिव लोड लगा के वेवफॉर्म मिलती है हमको लोड वोल्टेज की, उस तरीके की हमको वेवफॉर्म मिलेगी। वो जो निगेटिव लोड वोल्टेज आता था वो रिमूव हो जाएगा, इसके वजह से हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो समरी ऑफ द टुडे सेशन, इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ RL लोड विथ फ्रीविलिंग डायोड। असाइनमेंट फॉर टुडे सेशन, एक्सप्लेन सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ RL लोड विथ फ्रीविलिंग डायोड। PO satisfied are PO 1, 2, 3, 4 and 8, 19. In the next lecture, we will going to learn about midpoint type full wave controlled rectifier with resistive load. Thank you for watching this video and keep learning.